नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारालाल। अभी मैं शहीद भगवान सिंह के पैतृक निवास पे हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं बहुत संख्या में लोग आए हुए हैं उनके श्रद्धांजलि में, उनके शहादत में। उनका पार्थिव शव कुछ ही क्षणों में जो है यहाँ पे पहुँचने वाला है उनके पैतृक निवास पर। सभी लोग बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं नम आँखों से कि कब उनका पार्थिव शव आए और हम एक उनका दर्शन करें जो अपने जान की कुर्बानी दे दी इस देश की सुरक्षा में। यहाँ पे देखिए महिलाएं बहुत काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। इस क्षेत्र में यह पहली घटना है और इसी परिवार से बहुत पहले भी क्रांतिकारी थे जो देश के लिए आज़ाद कराने में उनका योगदान था, और आज जो है दोबारा से उनके नाती पोता जो लगे पोता लगेंगे वो शहीद हुए हैं। यहाँ पर उनका पार्थिव शव रखा जाएगा इस चौकी पर और यहीं से सबके परिवार से मिलवाया जाएगा और यहाँ पर सलामी दी जाएगी उनको। इसके बाद यहाँ से उनका अंतिम संस्कार यहाँ के नज़दीकी घाट पर किया जाएगा। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि उनकी शहादत में ये लोग किस प्रकार से अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। अपने क्या नाम है सर? रणविजय सिंह। आप उनकी शहादत में क्या कहेंगे? भाई दुख का तो समाचार है ही है जी, और हम लोग आभार दुख है, इस क्षेत्र की जनता को भी दुख है, सारे क्षेत्र जितने भी अधिकारी सबको दुख है, लेकिन अब अनहोनी को कौन टाल सकता है जी। सर दुख तो सभी को है और गर्व का बात यह है कि इस क्षेत्र में एक ऐसा जवान जो देश के लिए बलिदान हो गया, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर गया, अपने माता पिता का नाम रोशन कर गया, और इतना ही नहीं अपने गांव का भी नाम रोशन कर गया और अपने देश का नाम रोशन कर गया। पहले भी यहां के लोग कुर्बानी दिए थे, लोग जानते थे, लेकिन आज दोबारा से उन्होंने अपनी शहादत देकर इस क्षेत्र का नाम दोबारा से रोशन कर दिए हैं। और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर? रामा यादव। आप उनकी शहादत में क्या कहेंगे? अरे उनकी शहादत में क्या कहेंगे, चलिए ठीक, हम कुछ नहीं कहेंगे। सर आपका नाम? रामानुज यादव जी। आप क्या कहेंगे? शोक संवेदना में आए हैं, उनको आत्मा को शांति दे। हमारे पड़ोस के गांव के निकट के थे, अच्छे काम के देश के लिए अपने को बलिदान कर दिए। आइए आगे और लोग से जानते हैं। यह वीरों की धरती है और यहाँ पर जब एक जवान देश के लिए बलिदान होता है तो यहाँ से हजारों युवा तैयार हो जाते हैं देश की सरहद पर जाने के लिए। क्या नाम है सर? विशाल सिंह। आप उनकी शहादत में क्या कहेंगे? अब देश के लिए कुर्बान हुए हैं, इससे पूरा क्षेत्र दुखी है और इस बात का क्षेत्र को गर्व भी है कि हमारे इस धरती का लाल देश के लिए शहीद हुआ है, लेकिन पूरा क्षेत्र इस समय गमगीन है। जब से सुना है लोगों का तांता लगा हुआ है, अभी देख ही रहे हैं, इसलिए सभी लोग दुख में डूबे हुए हैं। माता जी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है? जी विवेक सिंह जी। आप उनकी शहादत में दोस्त? मैं यही कहना चाहूँगा कि यह गांव जो है बहुत ही आज़ादी के पहले से ही लड़ाई में योगदान दिया था और उस योगदान में आपके परदादा श्री भगवान सिंह के परदादा यमुना सिंह जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, आज़ादी दिलवाए, तो उन लोगों ने आज़ादी दिया, अंग्रेज़ों को शहीद किए और आज यह देश की रक्षा करते हुए अपने शहीद हो गए। यह तो मतलब अमर हो गए और हम लोगों को रुला रहे हैं, लेकिन गर्व भी है हम लोगों को कि इनकी कुर्बानी जो है हमारे क्षेत्र को पुनः ऊँचाई पर और इस गांव को हम लोगों को पहचान दिला रही है। माता जी आप क्या कहेंगे? यह तो बलिदानियों का गांव पोखर भिट्टा शुरू से रहा है। वसुधा सिंह पहले से इतिहास के पन्नों पर उनका नाम लिखा गया है और उसी धरती पर आपका भी शहादत जो देश के लिए हुआ है, निश्चित रूप से गौरव के साथ हमें याद करेंगे। उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ मैं। देखिए यहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए हैं और सभी लोग गम में डूबे हुए हैं, सभी लोगों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। आगे भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इधर स्वागत है। आप शहीद के सम्मान में आप क्या कहेंगे दोस्त? देखिए व्यक्ति के आगे उसका व्यक्तित्व चलता है। यहाँ जो आप मेला देख रहे हैं ये उस शहीद का व्यक्तित्व है, उसने हमारे देश को देश पूरे प्रदेश का सम्मान बढ़ाया और आज जो भी यहाँ पे बैठे हैं बहुत ही गमगीन बैठे हुए हैं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा और सरकार से चाहूँगा कि इनके प्रति ध्यान दें, इनके परिवार के प्रति ध्यान दें, क्योंकि वही इस घर की रीढ़ थे,
जो आज नहीं है हमारे यहाँ हमारे बीच में, तो इनके परिवार के प्रति जो सबकी संवेदना है उसके साथ मैं चाहता हूँ कि सरकार भी इनका ध्यान दे पूरा, और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। सर अभी ट्वीट पे देखा गया है मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अभी ट्वीट किए हैं। जी मुख्यमंत्री जी ने इनको कुछ कंपलसेशन और एक नौकरी की घोषणा की है। मैं स्वागत करता हूँ मुख्यमंत्री जी के, बहुत अच्छा उन्होंने एक इन लोग के परिवार को सुविधा दी है, और चूंकि परिवार को नौकरी मिल जाए प्रॉपर तरीके से और वो कंपलसेशन मिल जाए, मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ इस सरकार का। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट किया है और सभी लोग इस बात से अनभिज्ञ नहीं हैं, सभी लोग जान गए हैं और उनको धन्यवाद दे रहे हैं। बाकी यहाँ पे अभी थोड़ी देर में उनका पार्थिव शव आएगा और कैसे कैसे सम्मान किया जाएगा, उनका किस तरह से सलामी दी जाएगी, यहाँ पे लोग अपना पुनर्विचार कर रहे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं। बाकी हजारों की संख्या में लोग आगे निकल गए हैं उनके पार्थिव शव को रिसीव करने के लिए। तो हम चलेंगे मार्केट में भी, वहाँ से आपको दिखाएंगे कि कैसे तैयारी के साथ कितने लोग पहुँचे हुए हैं वहाँ पे, रास्ते का पूरा अपडेट दिखाएंगे। वहाँ से पार्थिव शव रिसीव करने के बाद यहाँ सलामी दी जाएगी, यहाँ से अंतिम संस्कार किया जाएगा, अंतिम सलामी दी जाएगी, वहाँ तक मैं आपको पूरा अपडेट इस चैनल पर देते रहेंगे। तब तक हमारा देखते रहिए यूट्यूब चैनल अंगारा लाल। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।